असलकम स्टूडेंट्स हो आर यू ऑल होप यू आल आर फाइन एंड सेफ इन योर होम्स ओके क्लास ओपन योर बुक दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ यूर बुक पेज नंबर थ्री ओके क्लास आपने सबसे पहले यहाँ पे, पे पेज के ऊपर कॉर्नर में डेट मैंशन करनी है ठीक है तो आज डेट क्या है थर्टीन स्लैश जीरो फोर स्लैश ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है थर्टीन अब हमारे पास अप्रैल का मंथ है तो हम क्या लिखेंगे जीरो फोर फोर्थ मंथ है ठीक है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी क्लास जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेयर्स ठीक है हम देखेंगे कि पेयर क्या होता है जब आप दो एक जैसी चीजों को साथ रख देते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं पेयर्स बना देते हैं ठीक है दो आपने एक जैसी चीजें लेनी है ठीक है टू सेम ऑब्जेक्ट्स दैट कम टूगेदर इस कार्ड आ पेयर ठीक है जैसे अपनी बुक पे देखें सबसे पहले क्या बने हुए हैं बॉक्सिंग ग्लव्स ठीक है तो ये देखें आपके पास एक ये ग्लव है और एक ये ग्लव है ठीक है ये दोनों सेम ग्लव्स हैं ठीक है तो ये आपके पास क्या है पेयर ऑफ बॉक्सिंग ग्लव्स ठीक है ये दोनों मिलके के इन्होंने क्या बना दिया वन पेयर ठीक है जब आप कोई भी दो एक जैसी चीजों को साथ रखते हैं तो वो क्या बन जाता है एक पेयर बना देती है ये दोनों ग्लव्स मिलके इन्होंने एक पेयर बना दिया ठीक है नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट आपके पास क्या पड़े हुए हैं एयरिंग्स पड़े हुए हैं ठीक है एयरिंग्स देखें आपके पास दो एयरिंग्स है ठीक है और ये बिल्कुल सेम है तो ये दोनों एयर मिलके क्या बन गया वन पेयर क्या बन गया वन पेयर ऑफ इयर ठीक है इसी तरह नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्या पड़ी हुई है सॉक्स ठीक है आप सब बच्चे सॉक्स पहनते हैं ठीक है अपने स्कूल वाले शूज जब पहनते हैं तब भी आप सॉक्स पहनते हैं तो आप में से कोई बच्चा हो जिसने कभी सिर्फ एक सॉक्स पहनी हो नहीं ऐसा नहीं है ना आप सब लोग दो सॉक्स पहनते हैं ठीक है ठीक है आपके पास ये आपके एक पाँव की सॉक्स और ये आपके पास सेकंड वाले की ठीक है तो ये दोनों मिलके आपके पास क्या बन गया अब पेयर ऑफ सॉक्स ठीक है ओके बच्चे यहाँ पे क्या बना हुआ है ये यहाँ पे मैंने बॉल बनाया हुआ है ठीक है यहाँ पे मैंने एक बॉल नहीं बनाया हुआ है कितने बॉल्स बनाए हुए हैं दो बॉल्स बनाए हुए हैं ठीक है और ये दोनों बॉल्स बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे क्या बना हुआ है वन पेयर ऑफ बॉल्स ठीक है क्या है वन पेयर है ठीक है किसका पेयर बना हुआ है यहाँ पे बॉल्स का तो वन पेयर ऑफ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बॉल ठीक है तो यहाँ पे ये यह देखिए दोनों सेम बॉल्स हैं ठीक है तो दोनों सेम बॉल्स मिलके इन्होंने क्या बना दिया एक पेयर बना दिया ठीक है अब नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों ये क्या पर बना हुआ है आइसक्रीम अब देखिए यहाँ पे दो आइसक्रीम्स हैं ठीक है जो दोनों बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे क्या है वन पेयर ऑफ आइसक्रीम ठीक है तो पेयर क्या होते हैं कि आपके पास कोई सी भी दो सेम चीजें ठीक है वो दोनों सेम चीजें मिलके आपको एक पेयर बना देंगे ठीक है आपके पास एक उनका पेयर आ जाएगा ठीक है ओके okay, बच्चों अब आगे आ जाए ड्रॉ लाइन टू मैच पेयर्स ठीक है यहाँ पे इन्होंने कुछ पेयर्स बनाए हुए हैं ठीक है थीके? पेयर्स क्या होते हैं कि कोई सी भी दो सेम चीजें वो मिलके आपको पास आपको एक पेयर दे देंगे ठीक है आप यहाँ पे देखिए आपने सेम चीजों को क्या करना है मैच करना है ठीक है आप देखिए यहाँ पे क्या है एक शूज बना हुआ है पिंक कलर का ठीक है अब इस शूज को आप किसके साथ मैच करेंगे ये सेकेंड वाले सेम शूज के साथ ठीक है तो ये दोनों शूज मिल आपके पास एक पेयर बना देंगे ठीक है ठीक है इसी तरह आपने ये देखिए आपके पास आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल सेम है इन दोनों को भी मैच कर देना है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा एक पेयर इसी तरह आपके पास ये ग्लव्स हैं और ये आपके पास सेकंड वाला ग्लव्स है इसको भी आपने इन दोनों को मैच कर देना है फिर ये आपके पास एक पेयर बन जाएगा ठीक है ऐसे आपने इन दोनों ग्लव्स को मैच कर देना है ये दोनों सेम ग्लव्स हैं तो आपके पास पेयर ग्लव्स का पेयर बन जाएगा इसी तरह आपके पास ये एक रिंग है इसको आपने ये सेम इसके साथ मैच कर देना है ठीक है इस तरह आपने अपनी बुक के ऊपर भी मैचिंग कर लेनी है ठीक है ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़